बोगी कुंड वहां से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। चलो पॉज पे पहले। चलना है तो रेनकोट, गर्म कपड़े, नीचे भूख भी लगी थी तो कुछ हमने खाया भी। खाने का ऑप्शन दो ही चीज़ होता है, एक पराठे होता है, एक मैगी होता है। ऊपर जा सकते हैं तो आ जाते हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं। फाइनली बस दिखा येगा ये व्यू मेरा बस दिखा फाइनली। अब लग रहा है कि हम काफी ऊपर आ चुके हैं। देखिए देखिए पूरा बस बीच बीच में ऐसे एक शॉर्टकट भी रास्ता है जिस हम पहाड़ के बीच बीच से आप चढ़ के आ सकते हो, जैसे कि वो आ गया। अच्छा है, काफ़ी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। वैसे भी अभी 8 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट हमने 11 किलोमीटर कवर कर लिया है, अभी 8 बचा हुआ है। मीन्स कि 3.5-4 घंटे तो अभी और लगेंगे, बट ये है कि हो जाएगा। अब जो वेदर है वो देखो, बिल्कुल प्यारा वेदर हो गया। तो सांसें फूल गई है, फिर थोड़ा धूप से भी सांसें फूल गई है, थोड़ा धूप से भी दिक्कत होगा, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो चलते हैं। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना रुकोगे बॉडी उतनी ठंडी हो जाएगी, फिर से चढ़ने में दिक्कत होता है। पहुँचते हैं आगे। पूरा 24 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। एक्चुअली जो 16 किलोमीटर का चढ़ाई था वो दूसरी साइड था, जो कि जब उस टाइम पानी आया तो वो सारा रोड बह गया। तो ये 24 किलोमीटर की चढ़ाई है और ये बर्फ देखो, बर्फ की दीवार बनी हुई पूरी। उसी दिन पहले बर्फ हुई है यहाँ पर। वहाँ पर तो पूरी बर्फ दिख रही है। अभी भी 7 किलोमीटर की चढ़ाई बची है। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। अभी भी 1 किलोमीटर होगा पर हमें टेंपल दिखाई दे रहा है। सुबह से चलते चलते शाम हो गया, वाकई में अब हिम्मत नहीं बची चलने की। 8 से 10 बोतल पानी पी चुके हैं। बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। कभी भी आओ
ट्राई करो कि कम से कम लगेज हो या फिर ना हो, पानी वगैरह सब कुछ रास्ते में मिल जाएगा, खाने पीने का सब कुछ रास्ते में आपको मिल जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब बस सेवा पहुँचते हैं और देखते हैं कि टेम्पल खुला है कि नहीं खुला है। ये पुराना वाला रास्ता है जो कि पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसमें बह गया था, और ये नया रास्ता बन गया। जैसे ही केदारनाथ पहुंचे बारिश स्टार्ट हुई, हमारे पास कोई भी चारा नहीं था यहाँ रुकने के अलावा, और इतनी ठंड, अभी 6 degree टेम्परेचर है यहाँ पे, रुकना है। जब देखा था बोला नहीं था, गुड़ गुड़ का फिर से बोला। अभी 6 degree टेम्परेचर है यहाँ पे और बारिश की वजह से तो और ठंड पड़ गई है, तो हमने फटाफट रूम लिया और रूम के अंदर आ गए, रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, हिम्मत नहीं है अभी उठने की। सर दर्द हो रहा है अभी ठंडियों से, हालत खराब है बहुत। बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि उठ के अब यहाँ से टेंपल तक भी जाए, हालांकि अभी बारिश हल्की हल्की हो गई है, थोड़ा फोन वोन चार्ज करते फिर निकलेंगे, कैमरा भी डिस्चार्ज हो गया था, तो निकलते हैं एक बार टेंपल के पास, जाते हैं रात में, देखते हैं। रात में मैंने एक वीडियो देखा था, काफ़ी अच्छा दिखता है, चलते हैं। ठंड में आए तो ठंड का थोड़ा मजा भी लेंगे। फिलहाल बहुत ठंड है यहाँ पे और इतना ज़्यादा चल के आए हम, हमें ही पता है। आई कांट एक्सपेक्ट इट। वैसे टेंपल का गेट, मेन गेट बंद हो जाता है तो बाहर से ही दर्शन करना होता है, लेकिन अब कल सुबह उठेंगे और 4 बजे टेंपल खुल जाएगा, 4 बजे ही हम दर्शन करके और तुरंत रिटर्न मिलते हैं। अब आई होप मंगलवार तक दिल्ली पहुंचे। दस टाइम हो चुका है रात के, जिस हिसाब से ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है, सच में कंबल से निकलने का मन नहीं करा बिल्कुल भी, बट निकलना तो पड़ेगा ही। हमने सोचा थोड़ा चलते हैं, वॉक करते हैं, अजीब सा फील हो रहा था जैसे तबीयत खराब हो जाए, एक बार वॉक करते हैं, टेंपल के पास चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन वहाँ पे। रात की वीडियो मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी थी, तो चलते हैं। ये क्या था, कुछ खाया भी नहीं हमने, वहीं खा गए, तो आगे की वीडियो दिखाता हूँ आपको। इतने मेहनत करने के बाद, इतने ट्रैकिंग करने के बाद जब टेंपल सामने दिख रहा है तो थोड़ी खुशी तो हो गई है। वो गा टेंपल, भीड़ कुछ भी नहीं है, खाली है, भूख भी लगी है, तभी सोचा बाहर चलते हैं, वही खाते हैं कुछ। ठंड बहुत है, जैकेट सारा निकल गया। तुझे क्या है, तू तो पैक बहुत है, अभी बारिश हुई थी 2 घंटे, इतनी ठंड लग रही है अब तो पूछो मत। टेम्पल की जस्ट बैक साइड हूँ, और आपको तो याद होगा आपने केदारनाथ मूवी देखा होगा, तो इस साइड से पानी आया था, और ये जो पत्थर है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इस टेम्पल को, क्योंकि इससे पानी टकरा के डायरेक्ट टेम्पल पर नहीं आता था, और ये पत्थर हिला नहीं था यहाँ से। देखो वो पत्थर, आप देखो, यहाँ आने के बाद कई लोग कहते हैं कि परमिट की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमिट की जरूरत है, वो सिर्फ इसलिए है कि लास्ट टाइम जो इस यहाँ पे पानी आने की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई थी, तो रिकॉर्ड नहीं था किसी के पास कि कितने लोग थे यहाँ पे, कितने लोग नहीं थे, इस वजह से एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आप एक ऐप डाउनलोड करना उत्तराखंड टूरिज़्म, उस ऐप से आप डायरेक्ट परमिट ले सकते हो, आपको 6 बजे या 5 बजे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। और ट्रैकिंग की जहाँ तक बात है, जितना कम से कम लगेज हो उतना कम से कम लेके आओ, या फिर मत लेके आओ। रास्ते पर आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ज़्यादातर मैगी और पराठे, और वाटर बॉटल काफ़ी महंगा है तो बाहर से पी सकते हो, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही प्यारा है, जो फ्री सेवा पानी है वो भी पी सकते हो आप। ट्रैकिंग में मिनिमम आपको लग जाएंगे 8 से 10 घंटे, उससे पहले आप नहीं पहुंच पाओगे, 8 से 10 घंटे तो लगने ही लगने हैं, हमें भी लग गए थे, आना नहीं मिल रहा।
इतना ट्रैकिंग करने के बाद खाना ही नहीं मिला। अब लास्ट उम्मीद बचा है अपना होटल, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। ऐसे रास्ते में धूप भी था आधी, पहले तो धूप नहीं था पहाड़ों में, फिर उसके बाद धूप मिला तो बहुत तगड़ा धूप था, उसके बाद मिला फिर छाव, जब थोड़ा ऊपर गए तो फिर ठंड बढ़ा। एंड में जैसे केदारनाथ पहुँचने वाले थे तब बारिश स्टार्ट हुआ। भूख लग गई? हाँ भूख तो लग गई, अभी मैं ढूंढ ढूंढ के आया, कहीं खाना मिल नहीं रहा है और सब दुकानें बंद हो रखी है अभी तो, और भूख भी बहुत तेज लगी है। भूख तो लग गई है, थोड़ा आराम के चक्कर में भूख बढ़ गई और, बट ये है कि अभी भी टेंपल छोड़ जाने को मन नहीं करा। ठंड भी ठीक है, मतलब अभी जैकेट वन में पहन रखा है तो ठीक है, मैं दिल्ली की तरह ठंड ऐसा नहीं है, दिल्ली में ऐसा रहता है सबसे हार्ड वैसे ही है। ठीक है, ऊपर पीछे टेंपल होगा लेकिन मजा है। अच्छा अगर आप देख के इतना ट्रैकिंग के बाद पहुंच गए वही ज़्यादा अच्छा, सारा दर्द भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है कि हमें रास्ते में कहीं बारिश नहीं मिला, सबसे अच्छी बात। अगर बारिश मिलता तो हम ठंड के मारे मर जाने। अब चलते हैं रिटर्न, ट्रैकिंग करते हुए हालत तो खराब होनी ही है, वैसे भी कोई अच्छी नहीं है कल से आने के बाद। ये देखो बहुत धूप चल रही है, ये सारा बर्फ दिख रहा है।